हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे भाई। स्वागत है आप सभी का कौशिक व्लॉग में। तो आज आप लोगों के लिए तगड़ा सरप्राइज है भाई, वो चीज जो पिछले कई दिन तक आप लोग मिस कर रहे थे। तो स्वागत ज्यादा टाइम ना लगाते हुए ये जापे से उठ चुकी हैं। नहीं, आपकी अभी नहीं उठी हूँ, अभी मेरे 15 दिन और रहते हैं, बस मेरा मुंह तोड़ दुआ काम करना है। क्योंकि भाई आज बुआ भी जा रही है अपने ससुराल, क्योंकि बुआ को काफी ज्यादा टाइम हो गया था और वहाँ पे फोन आ रहे हैं। तो एक महीना कंप्लीट हो गया है। हाँ। मेरा अभी 15 दिन और रहते हैं, 1.5 महीने का होता है। तो स्वागत है आपका। हाँ, दोबारा से थैंक यू, और बहुत थैंक यू आप सभी को कि आपने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी। तो थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ओके हूँ। और मेरा थैंक यू यार, मैंने कितना तेरा मतलब सपोर्ट कराया। हाँ, यार कितना सच है, वो सपोर्ट किया। काम धंधा छोड़ ही बैठा हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े, बट मेरे पास फोन नहीं था 15 दिन तक, तो इन्होंने मुझे फोन दिया ही नहीं, तो मैं इसलिए सबका रिप्लाई नहीं कर पाई। बट मैं पर्सनली आके आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तो थैंक यू सो मच। और अभी हम आपके लिए एक छोटा सा और चीज, जो हमारा बेबी है उसका भी फेस दिखाएंगे, हम इंस्टाग्राम पे भी शेयर करेंगे। और कब करेंगे? 22 तारीख को ना, 22 तारीख को जब वो एक महीने का हो जाए। आज 20 तारीख है, आज 20 तारीख है, 2 दिन बाद। और ये व्लॉग 21 को आएगा, तो 22 तारीख को उसकी पिक वगैरह सब शेयर हो जाएगी। अरे मैं कितनी कमजोर कमजोर सी लग रही है ना। कमजोर तो ठीक है, लेकिन गोरी चिट्टी तो होगी तू है। हाँ, बुरी बुरी तो हो रही है, क्योंकि भाई हम जो व्लॉग में है ना, कोई फिल्टर नहीं डालते हमने। हाँ, आज तक नेचुरल होता है। हमने आज तक कोई व्लॉग में फिल्टर नहीं डाला। हम पीले हैं चाहे हम भूरे हैं। तो क्या मड़ खा लिया भाई? अभी तो मैं लाइट ही डाइट ले रही हूँ अभी, बस लाइट ही डाइट। तो इसके लाइट डाइट बताता हूँ आप लोगों को, दिखाई भी थी। घी का चूरमा, घी का हलवा, वो जो कांगड़ी है वो भी घी की है, जो अजवाइन है वो भी घी तो की है, घी की होती है। ठीक है, ये तो इसकी लाइट लाइट मतलब डाइट हल्का है। थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, ऐसे भरपेट नहीं खाती हूँ। अच्छा, फिर पोटन होना दोबारा। तो भाई अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और आज बहुत ज्यादा सर्दी है, धुंध है भी बहुत ज्यादा। तो कमेंट करके जरूर बताइए भाई कहाँ कहाँ पे धुंध गिर चुकी है, मतलब सर्दी स्टार्ट हो रही है। मैं दिखा देता हूँ बाहर का व्यू, दिखा दूंगा पर कितनी तगड़ी धुंध हो रही है भाई। देखो बाहर का मौसम अति गच धुंध हो रही है कि मैं भी दिखाई नहीं दे रहा। दोपहर के 11 बज रहे हैं, कति बड़ी आला मौसम हो गया। और सच में ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है। और अभी मुझे रेस्ट करना है, अभी मेरे अभी मैं जहाँ पे तो मेरी बात सुन ले, अभी मेरे 15 दिन और रहते हैं। आज तो तू व्लॉग बना लेगी ना, मैं मेरा काम कर लूं छोटा मोटा जो यार भी है। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी तरह खाओ, उनको संभालना है मुझे। और छोटे वाला तो इतना छोटा है कि वो मेरे ही अकॉर्डिंग है, हर मिनट हर सेकंड हर पल हर मोमेंट में उसको मेरी नीड होती है। ठीक है, हाँ, आप अपने आप को हैंडल कर तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब मैं ठाल ली हूँ। आप ठाल ली हो बिल्कुल। अभी क्या करेगी, नीचे क्या प्लान है? मैं भी सो रही जब भी मैं जितना खाना जरूरी है उतना सोना भी जरूरी है। अच्छा, ऐसे ऐसे बड़े लोग कहते हैं। कौन से बड़े लोग? जो भाई दाई दाई कह रही है, जो दादी होती है वो। मम्मी जी भी कहती है जितना खाना जरूरी है उतना सोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद कम्प्लीट होनी बहुत जरूरी है, उसी से फेस का ग्लो आएगा। ओह माय गॉड। चलो ठीक है फिर, आप सो जाओ भाई, ग्लो चाहिए फेस का, बहुत ज्यादा ग्लो, बहुत इम्पोर्टेंट ग्लो। फाइनली धूप निकल चुकी है, एक नंबर की। टाइम हो गया 12:30 और बढ़िया धूप निकला, ये मौसम सही हो गया। तो छोटे बाबू के लिए डाल दी यहाँ पे खाट, छोटा बाबू यहाँ पे धूप में सोएगा। और नेवी का हाल देखो, इधर देखो, ये रेत में खेल के आया बार। देखो भाई ये देखना इसकी हाल, देखो इसके कपड़े देखो पहले। के बेटा तू के खेत का काम करके आया है के? हैं, ये चम्मच का छोड़ दे, अभी बड़ा हो गया तू। आ जा, कौन सी अफगानी भाषा बोल रहा है तू? और ये छोटा बाबू आ चुका है, बुआ जी लेके आई है छोटे बाबू को, रियांश को। ये छोटा बाबू रियांश धूप सेकेगा अब, और नेवी भी धूप सेकेगा, इसका ध्यान रखेगा नेवी। ठीक है, छोटे भाई का ध्यान रखना है, ठीक है। और बुआ का अभी जाने का टाइम आ चुका है। हाँ, बुआ की साला क्या तना है, 1 महीना है, खूब बढ़िया लग रहा है, खूब बढ़िया जीक रहे जाने रहे ना, जीक रहे, कोई बात करनी। तो मेरी बुआ इमोशनल हो गई है भाई, बुआ का जी नहीं कर रहा बिल्कुल भी जान। तो बुआ कोई बात को नहीं, की बात होगी, मैं तेरा जी कर जब आजी तारो तेरे तो कर है, मेरे तो पहले तो तेरा कर है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा भाई, मेरी बुआ बहुत अच्छी है भाई, एक महीना पूरा इतनी ज्यादा हेल्प करी है मम्मी की ममता की। तो जाना तो पड़ेगा,
नागू भाई का आप ध्यान रखो ने भी, ठीक है इसको सर्दी लग रही है। चम्मच खोस भाई, चम्मच हटा बेटा, भाई को लग जाएगी। ये दे दो, ये वहां पे रख के आ जाते। पापा को दो, लो पापा को दे दो, पापा को दे दो, भाई को लग जाएगी बेटा, पापा को दे दो। नेवी सुनो, तो भाई को लग जाएगी। हाँ जी, तो आप आ गए क्या? आपके लिए हमने धूप निकाल दी है। नेवी से चम्मच ले ले यार एक, तो नेवी ये चम्मच दे दे बेटा, ये तेरी पिटाई कर दूंगी मैं, दे दे चम्मच। तो भाई अभी आई है और हम धूप सेक रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत टाइम बाद व्लॉग बना के। और आज मेरी बुआ जी जा रही है और रुकती और भी रुकती, पर कुछ थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई है घर पे, तो उस कारण बुआ को जाना पड़ रहा है। तो अभी बुआ के बाद जो भी काम काज होगा वो ये सवाल है। क्या? जो भी बुआ का काम काज होगा आप सवाल होंगे। सही बात है। अरे बाबू धूप लगनी है आपको, अरे धूप लगनी है बाबू को, अरे बाबू को धूप लग रही है, अरे नेवी बाबू को भी लग रही है क्या? तो ये यहाँ पे क्यों रख दी बेटा, इसको तो नीचे रखते हैं, रख दो नीचे, ज्यादा लगे ही ना। अच्छा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। बाबू इधर कर लो आते, अरे अरे छींक दिया, भाई ने छींक दिया। ओ, इतना प्यार करते हो बेटा तू, है ना, ऑपरेशन मत कर, ठीक है, ऑपरेशन मत करो। तो जो आपका पहले वाला जो व्लॉग है डिलीवरी वाला, हाँ। तो उसको है ना लोग एज ए एक वो ले रहे हैं, क्या इंस्पिरेशन, मतलब कि एक होता ना मोटिवेशनल ले रहे हैं कि आप इजीली आराम से हंसते हंसते हॉस्पिटल में गए, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और डिस्पेंसरी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल भी नहीं था, डिस्पेंसरी में, और वो भी हमारे घर के पास में ही, और हंसते हंसते आप बेबी को 2 घंटे के बाद घर पे भी लेके आ गए। तो ये एक मोटिवेशनल है, मतलब अच्छी चीज है। तो आप क्या कहना चाहोगे जितने भी प्रेगनेंट महिलाएं हैं, लेडीज हैं? भाई मैं तो एक ही बात बोलूंगी, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। बाद में रेस्ट कर लो, बट जो 9 महीने होते हैं उसमें जितना एक्टिव रहोगे उतना, मतलब भाई जल्दी इजीली ड्रीमी होगी, वो भी नॉर्मल 101%। नेवी अरे वाओ, आलू आ गया, आलू का चालू तुम कहाँ गए थे नेवी की टोकरी में। नेवी बेटा सर्दी देखो अब कितनी है, देखो पापा ने पहन रखे, बुआ जी ने सॉक्स पहन रखी, आप ऊपर बैठो। नेवी एक बात तो रियांशु खिला दूं, ले रियांशु खा ले बेटा, ले तू रियांशु खा रहा है, जल्दी खाओ। अरे वाह गुड बॉय गुड, कहते बॉय ज्यादा है, सिर्फ 10 रुपए दे दो। अरे ले ले, मारा टीम पे 10-10, 5-5 रुपए चले आते, आप तो ले लिया करते। नेवी ले ले, मुझे दे देना, ले 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 बेटा, ले ले मुझे दे देना, ले आलू तो खा ले। अरे इसे जमाने में दे ले, मारा पेना ले जा, देखियो बेटा दुनिया रुपया का तो खेल है। नेवी ते बेटा भाई छोरे ने रुपया तो कोई लो मोह माया कोई नहीं, मेरे पे यो मेरे पे, तेरे भी कोनी, हां तेरे पे, तू तो लूट लूट की खागी तू, मैंने ये नहीं लेगा रियाज, रियाज ने दे दे भैया, कौन करा ले आओ, चीज लेके आएगा, चीज देख क्यों पकड़ा एक बार। अरे वाह खजाना सर वो, अरे वाह देख लेने भी भाई ने पैसे पकड़ लिए। तो भाई जो छोटे वाला है उसने रुपये पकड़ लिए हैं, वो है आपकी मम्मी पे, और नेवी ने पैसे नहीं लिए, इसको पैसों से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ प्यार चाहिए, ये अपने पापा पे है। तुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है ना? नहीं है ना, बोलो ना, ना। ये और बुआ देखो भाई बार बार मैं ऐसे रो रही है जैसे बुआ की कल परसों शादी हुई है। हाँ आजकल तो करो भी को नहीं, बुआ मेरी बुआ भाई भगवान की दया था, मौज है सब, गाड़ी जब मन में हो जाए गाड़ी बैठ सकते मिल जाए। और के तो भाई ये बुआ का सारा सामान, पापा जी बुआ जी को छोड़ने जा रहे हैं। आजा बेटा इधर बाहर हो, ठीक है बुआ जी, कोई ना मिले भी तो फेरा ना। भाई बुआ जी ने बहुत ध्यान रखा मेरा, बहुत ज्यादा, 1 महीना पूरा इतना ध्यान रखा, बहुत ज्यादा थैंक यू बुआ जी, ये महीने भी तो फेरा ना प्रोग्राम में। ठीक है बुआ जी, रोइयो ना, हो ठीक।
बुआ तो इतनी इमोशनल क्यों रही थी मोर के नहीं बुआ जी जा रही है बुआ जी को पैर तो छुओ चलो बैठो ले तू तू कहाँ जा रहे हैं तू कहाँ घुस रहा है अंदर राजा बुआ जी को इधर से हम बाय बाय करेंगे अपनी ब्रूस ले ले अच्छा मैं तो बैठू हूँ चल मैं चलूँ ना बाय 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 बुआ जी को बाय बोलो अरे तुम बाय 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 बुआ चिज्जी लाने गई है टॉफी लाने के लिए गई है टॉफी ओहो शाम के 3 बजे और ममता जी सो रही है छोटे बाबू के पास हेलो व्लॉग कौन बनाएगा यार मैं व्लॉग ही बनाती रहूं क्या तुम्हें क्या करूं मैं बनाऊं व्लॉग बना लो यार 2-3 दिन अच्छा जी खा लिया हां रोटी सब्जी खा ली और क्या खाओगे तो तपाए तब खाओगे पिज्जा खाऊंगी खा लाओगे पिज्जा हां मेरी मर्जी नू ना चल लिया करे मर्जी यो हरियाणा है प्रधान अड़ा हाड़ तोड़ दिया करे मर्जी हाथ लगाइयो ले ले हम बढ़िया बेटा सर्दी होगी अभी मेरी माँ बैठी है बाहर कल्ली हाँ भाई माँ भैया जी ने ला दिया बुआ दे अच्छा है तो भाई बुआ की आदत सी हो रही थी कि बुआ यो काम करिए बुआ ये पकड़ाइए बुआ ये करिए छोटा बालक कितने भारतीय डॉलर थी चलो कोई नहीं अपना घर भी संभालेगी क्यों माँ संभालेगी भाई एक महीना हो गया छोटी तू काम में ना बैठा रही थी काली होगी सूरज दे होता कदे हाइड एंड सीक खेल रहे हमारे साथ कदे छिप जाओ कदे बाहर ना जाओ तो भाई अभी शाम के बज गए 5:30 मैं क्या बोलते हो उसको यारी उतर रही हो केजरीवाल वाला मैंने बहुत बढ़िया लग रहा है हाँ मबलर क्यों नहीं आज आपको ही किचन में काम करना पड़ेगा जी ममता जी ठीक है कर लो क्या आप हाँ आर यू रेडी हाँ रेडी पक्का yes. कई दिन हो गए बहुत घने दिन हो गए पूरी मौत करते सुबह 6 बजे उठना सारा काम करना वही डेली रूटीन अपना स्टार्ट कर ले अब 6 बजे और क्या 7 बजे उठ जाओ तो गर्मियों का जो ठहर दी 7:30 बजे 6:30 बजे अरे जूठी 6:30 बजे 6:15 बजे चल यार जूठी सुन एक है ना गिफ्ट आया है मेरे पास अभी अनबॉक्सिंग करना है एक बार फोन पकड़ोगे आप प्लीज तो भाई ये आया है गिफ्ट सर्दी इतनी ज्यादा हो रही है ना जिसकी कोई हक नहीं क्या होगा कि कोई फोटो फ्रेम या कोई भगवान का कुछ मूर्ति वूर्ति या फिर कोई गुलदस्ता वगैरह गुलदस्ता है नहीं तो या तो भगवान की मूर्ति एक बता यो का मतलब भगवान की मूर्ति आप बताओ जी ममता जी आई थिंक भगवान की मूर्ति ओ भाई साहब तेरा गिफ्ट दिया है वो अपने टीम HR16 शो सुमित भाई ने देखो भाई कितना प्यारा बाबा बोला के गंगा भी बह रही है वाह भी वाह बहुत शानदार भाई बहुत बढ़िया बाबा बोला के भगत है और बाबा बोला का ही कोई गिफ्ट दे दे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है तो थैंक यू भाई थैंक यू सो मच अगेन और इसको पर्सनली मैं अपने मतलब रूम में जरूर लगाऊंगा भाई थैंक यू सर्दी है इसको बिल्कुल अंदर छिपा के ठंडी इतनी ज़्यादा है बस मैं क्या बताऊँ मेरा लास्ट टाइम 2 महीने बाद निकलने का लास्ट टाइम है ना नेवी हुआ था सितंबर में तो जब ये मतलब सर्दियों का जो टाइम आया था जनवरी दिसंबर में तो तब तक ये 3-4 महीने का हो गया था मतलब है ना हाँ। तो काफी मतलब वो बढ़िया था और अब की बार तो ये छोटा बेबी तो अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है
बहुत ज्यादा सर बहुत इसको ना इसको उसमें दबा ले यार गड्ढा लगा ये कमर कर लेना इसको अच्छे तक कर सिर्फ तो इसका नंगू पंगू ये चुन्नी क्यों यूज कर रही है वो वाला सूती है ये सूती है मतलब सूती बांधते ऐसा कुछ होता है क्या तो तू अपने टिप्स देना चलो भाई मैं ना एक शेयर करूंगी अलग से नहीं शेयर नहीं मतलब एक व्लॉग में मैं स्पेशल पूरा ना इंटरव्यू लूंगा इसका ना पूरा जो भी मतलब न्यू कपल्स हैं या फिर जो भी प्रेग्नेंट है लेडी अभी या अगर बेबी प्लानिंग जो भी कर रहे हैं तो जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है जो मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे बहुत अच्छा रहा तू पता कैसी लग रही है वो गुत्थी आती थी ना कपिल शर्मा क्या करो भी फैशन को एक साइड में रखना पड़ेगा भाई अपने बच्चे की और मुझे मेरी सेफ्टी रखनी बहुत जरूरी है अरे फैशन तो भाई सारी जिंदगी का काम है अरे मेरा जय देवगण और तुझे पता है जो डिलीवरी वाला जो व्लॉग था वो 5 लाख व्यू होने वाले हैं उसके वही व्लॉग बहुत देखा यार सारे व्लॉग देख लिया करो यार हमारे भी यार ये हमेशा सोया रहता है दिन में ही सोता है रात को जगता है इसलिए मैं मॉर्निंग में लेट तो ये दिमाग में क्या सोचता होगा यार अभी कुछ भी नहीं हुआ जो भी एक्टिविटी देख रहा है तो थोड़ा सा वही सब चीजें फील करता है तो देख कर रहा है इसको तो इतना ही दिखाई दे रहा होगा जितना ये फोन है मेरे से शायद है ना कितनी दूर का दिखाई देता है बच्चे को कितने मीटर तक का फुट का फिट का दिखाई देता होगा कमेंट करके बताइयो भाई हमने तो इसकी सुनने की क्षमता जो होता है ना बच्चा हाँ। जो बच्चा जन्म लेता है जब ऐसा बोलते हैं कि उसकी देखने की क्षमता भी कम होती है और सुनने की क्षमता भी कम होती है फिर जब वो उसका ग्रोथ पीरियड होता है वो जब वो चलता है तो जब उसकी देखने की क्षमता बढ़ती है सुनने की क्षमता बढ़ती है तो वो सब चीजें फिर उसको अंडरस्टैंड नहीं तो यहाँ पे जो सामने स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल उसमें साइंस की जो टीचर की एक वैकेंसी खाली है तो क्या हम आपको वहाँ पे लगा दें कमेंट करके जरूर बताइयो कि ऐसा कितने फिट तक बच्चा मतलब देख सकता है जब वो न्यू बोर्न बेबी होता है मतलब एक महीने तक का हाँ देखता है क्योंकि मैं दूर खड़ा रहता हूँ ना तो वो मतलब मेरी तरफ ऐसे ऐसे नजरें घुमाता रहता है मैं इधर जाऊंगा तो वो इधर ऐसे करेगा इधर जाऊंगा तो इधर ऐसे करेगा कुछ लोग ऐसे बोल रहे की क्यों ड्रामा कर रहे हैं पहले इसने इन्होंने बेबी का फेस क्यों नहीं दिखाया मतलब कुछ लोग नहीं ड्रामा नहीं है भाई हमारी मतलब मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से लेकिन भाई एक चीज बता दे कि जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें उनकी मान लेनी चाहिए क्योंकि और... हमने पिछली बार ऐसे किया था हाँ तो मतलब लास्ट टाइम ऐसे किया था तो बेबी ये नेवी बीमार हो गया था बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फेस दिखाना ना दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता आईडी भी बनेगी ये सारी चीजें होगी सब पर डे इसको दिखाया जाता है लेकिन एक होता है और ये फैक्ट भी है नहीं पता ये चीजें सीरियसली होती है ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हम ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि ना बच्चे का जो थोड़ा कच्चा शरीर होता है उस टाइम पे कच्चा तो इसलिए बोलते हैं कि जो 1.25 महीने का जो टाइम होता है ना जच्चा और बच्चा के लिए वो एक सेफ्टी पीरियड होता है उनको अलग रखना पड़ता है और उनको एक दायरे में रखना पड़ता है हाँ, और वो चीज मैं भी बहुत एक्सेप्ट करती हूँ तो इसलिए जो वो पीरियड होता है वो उसमें अगर ज्यादा देख रेख या बाहर भीतर का जो हवा पानी का फर्क होता है ना वो बच्चे पे नहीं आना चाहिए तो इसलिए बच्चे को और जच्चा को थोड़ा अलग रखना चाहिए जो बड़े बूढ़े बोल रहे हैं यार कहीं ना कहीं तो उन चीजों के पीछे फैक्ट है ही और ये सच्चाई भी है मतलब जो नजर वजर लगने का जो सिस्टम होता है छोटे बच्चे को बहुत होता है यार मतलब धरती पे आया है अपने हिंदुस्तान में आया है कोई नया मेहमान आया यार ऐसे कैसे देख लोगे यार थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना तो और आप लोग आओ ना घर पे आओ इधर देखो और मुंह दिखाई दे के जाओ बच्चे को मुंह दिखाई तो होनी चाहिए ना यार मुंह दिखाई तो होनी चाहिए यार ऐसे कैसे देख लोगे यार बेबी का मुंह आपने क्या दिया भाई मुंह दिखाई क्या आपने बच्चे को मुंह दिखाई क्या दिया है मैंने मुंह दिखाई मैंने मेहनत करी है कितनी दाएं बाएं घुमाऊं इधर से उधर इधर से उधर बच्चे का फेस जब तू बैठे बैठे इधर इधर बैठे बैठे तू बोल रही थी कि मुझे फोन पकड़ाना मुझे चार्जर पकड़ाना मुझे वो पकड़ाना मुझे ये पकड़ाना वो मेहनत ही तो थी खुद ही करना पड़ रहा है ये सब काम जो ममता करती थी मेरे लिए क्योंकि जो उसके काम है वो मैं कर रहा हूँ हालांकि कहीं पे फिक्स नहीं होता कि ये उसके ही काम है या लेडीज का ही काम है कोई भी कर सकता है मैं कर रहा हूँ पैकिंग क्योंकि सुबह मुझे बहुत जल्दी निकलना है लगभग 5:30 बजे के आसपास तो 4:30 बजे उठना पड़ेगा 1 घंटा पहले तो अभी मैं फुल तैयारी वारी कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा सर्दी है और खाना वाना सब ने खा लिया ममता भी सोगी छोटा बेबी भी सोगी लेकिन ये जो बदमाश है ना ये देखो देखो ये जो बदमाश है थोड़ा थोड़ा देख रहा है ये नहीं सोया है चलो भाई ठीक है गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर